हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा किचन। और इस ईद पे स्पेशल ये प्याज के पकोड़े हैं, एक ईद के लिए जो आप बनाते हैं स्टार्टर वगैरह, स्टार्टर जो भी आप बनाते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और झटपट बनते हैं, तो आपकी ईद में बहुत चार चांद लगा देगा। तो सबसे पहले सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज को मैंने जैसा आपको दिखाया है कि बड़े बड़े छल्ले में नहीं, मतलब बीस से कट कर लेना है और उसके पीसेस निकाल लेने हैं जैसे मैंने दिखाया। उसके बाद दो आलू हम ऐड ले लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। फिर उसमें हम हरा मिर्च कटा हुआ ऐड कर देंगे दो। फिर हरा धनिया उसमें हम बारीक काट के उसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। और फिर हम उसमें बाकी की, जैसे हुआ आपका लाल मिर्च हुआ और आमचूर पाउडर हुआ, चाट मसाला हुआ, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे एज़ पर टेस्ट। क्योंकि चाट मसाला में नमक होता है तो उसको आप किस हिसाब से ऐड करना चाहें, कितनी क्वांटिटी में आप उसे पसंद करते हैं, थोड़ा खट्टा भी होता है इसलिए। तो यहाँ पे हम ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे और नमक एज़ पर टेस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और आपको थोड़ा सा और अगर टेस्ट लाना है तो आप यहाँ पे काला नमक भी 1/4 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हींग भी ऐड कर लीजिएगा, अगर हींग का फ्लेवर आपको पसंद है तो। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हम एक फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, आलू का जो भी फिलिंग हमने रेडी किया ना, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस और टेस्टी दिख रहा है। तो झटपट बहुत अच्छा स्टार्टर की तरह ये बहुत अच्छा वर्क करेगा और आपकी ईद के लिए बहुत अच्छा है। एक बार इसको बना के जरूर ट्राई कीजिए। कल ईद है और उसके एक दिन पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैंने इसको हाथ से अच्छे से मिला दिया। तो चलिए अब इसको हम फिल करते हैं प्याज में। तो इस तरीके का देखिए, प्याज के मैंने बताया थे लच्छे काटने हैं और उसमें ऐसे प्याज में भर देंगे इसको, ऊपर से एक पोर्शन लेके इसको हम कवर कर देंगे अच्छे से। ऐसे अच्छे से फिल करना है, ये नहीं कि बहुत खाली खाली सा रखना, नहीं, इसको हम ऐसे फिल करके और ऐसे कवर कर देंगे दोनों तरफ से और ऐसे गोल गोल से ही रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्याज के पकौड़े सभी बनाते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग है और एक यूनिक तरीका है, जैसा आप देख रहे हैं ऐसे हमने बना लिए हैं। तो चलिए अब इसको बारी आती है फ्राई करने के लिए, हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले कोटिंग किससे करनी है, बेसन से। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है और उसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देन इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर वगैरह ऐड कर लेंगे, जिससे हल्दी नेसेसरी नहीं है और सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि हल्दी से कलर थोड़ा अच्छा जाता है इसलिए उसको ऐड कर लेंगे। और अदरवाइज़ अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो उसको स्किप कर दें। और इसकी हम एक सिलरी भी बना लेंगे, मतलब लिक्विड पेस्ट बना लेंगे इसका हम ऐसे। तो चलिए पहले हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं, नमक ऐड हो गया है और अब इसको हम पानी मिला के एक गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं, लिक्विड गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं, लिक्विड वाला गाढ़ा पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से नमक और हल्दी पूरे बेसन में, जो हमने 1 कटोरी बेसन लिया उसमें अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसका हम पेस्ट रेडी करेंगे। पेस्ट की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, ऐसी रखनी है, हाँ, ऐसे ना पतला नहीं करना है आपको, क्योंकि प्याज पे इसको कवर अप करना है, प्याज को इसको कोट करना है। तो इतनी थिकनेस जो है इसकी बहुत सही है। तो चलिए आपने देख लिया है और आप चलिए इसको हम आपको एक प्याज को इसमें कोट करके भी दिखा देते हैं कि कैसे हमें कोट करना है। एक हमने प्याज का पकौड़ा जो रेडी किया है उसको स्टफिंग वाला ऐसे लेंगे और इसको चारों तरफ से इसको अच्छे से कवर कर देंगे और चम्मच से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सारे ही जितने हमने रेडी करे हैं तो उसको हम ऐसे डिप करेंगे, निकाल लेंगे, डिप करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए अब बारी आती है फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हम तेल, एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को अच्छे से हम उसमें तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब हम पकौड़े डालना शुरू करेंगे। उससे क्या, पकौड़े अच्छे से पकते हैं और अंदर तक पकते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके, और मैंने तेल थोड़ा कम लिया, आप तेल ज़्यादा ले सकते हैं तो पकौड़े ऊपर तक, मतलब तेल रहेगा तो और जल्दी और एक जैसे शेप के बनेंगे, ये चीज़ भी है। तो चलिए फटाफट से डालते हैं सारे पकौड़े एक एक करके ऐसे, तो और पलटते रहते हैं, सेकते रहते हैं इनको अच्छे से। जब ये गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो जाएंगे तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके के जितने भी बैच हम रेडी करेंगे सारे के सारे पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे और उनको हम निकाल लेंगे बाहर। तो आपको मैं एक काट के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा और कितना बढ़िया। अगर आपको पनीर पसंद है तो आप इसमें पनीर भी मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी फिलिंग आई है और बिल्कुल, मतलब अच्छे से बिल्कुल रेडी होके रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।